Hello student, this is the second lecture on single entry conversion method. In the last lecture, we discussed the theory aspect on conversion method. जैसे कि हमें पता है कि profit निकालने के लिए दो different methods होते हैं under the single entry system. First method का नाम है statement of affairs method और second method जो हम लोग इस lecture में देखेंगे conversion method. लास्ट लेक्चर टोटली थ्योरी बेस्ड था जिसके अंदर हमने देखा था कि सम में क्या क्या दिया होता है और हमें कौन कौन से डिफरेंट लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं, उस लेजर अकाउंट को बनाने का हमारा इंटेंशन क्या होता है, यह सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. इस लेक्चर को शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में हम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट शुरू कर देंगे. तो सबसे पहले हम जब सम को देखेंगे तो सम को मैंने तीन डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर दिया है. पहला जो सेक्शन आपको दिखाई पड़ेगा उसके अंदर आप देखोगे कि हमारे पास असेट्स और लायबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस दिए होंगे. असेट्स और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा. बोला सर ये ओपनिंग बैलेंस दिया होगा वो कैसा मालूम पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा वो किस तरह से पता चलेगा. फर्स्ट अप्रैल या फर्स्ट जनवरी को जो भी बैलेंसेस होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस. और 31 दिसंबर या 31 मार्च को जो भी बैलेंसेस दिए होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस. जैसे कि 1 अप्रैल 1990 है और 31 मार्च 1991 है. तो 1 अप्रैल 1990 विल बी द ओपनिंग बैलेंसेस और 31 मार्च 1991 विल बी द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द असेट्स एंड द लायबिलिटीज. तो इस प्रकार से आप देखोगे कि हमारे पास सम के अंदर सबसे पहला ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स और लायबिलिटीज दिया होगा. उसके बाद जो सेकंड पार्ट दिया होगा वो हम बोलेंगे कैश ट्रांजैक्शंस दिया होगा या कुछ थोड़े बहुत नॉन कैश ट्रांजैक्शंस दिया होगा. जैसे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स, कैश सेल्स, कैश परचेजेस, वेजेस पेड और साथ साथ में बिल रिसीवेबल ड्रॉन, बिल्स रिसीवेबल हॉनर्ड डिसऑनर्ड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल हॉनर्ड डिसऑनर्ड और उसके अलावा डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड ये दिया होगा. तो आप देख सकते हो कि अपने पास सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिया होगा, उसके बाद में कैश ट्रांजैक्शन और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस दिया होगा और जो थर्ड होगा स्ट्रक्चर ऑफ द सम वो होगा एडजस्टमेंट्स. एडजस्टमेंट जो हम हमेशा फाइनल अकाउंट में देखते हैं, जैसे कि गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर्स फॉर पर्सनल यूज, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स, outstanding expenses, incomes, prepaid expenses या pre-received income, ये सब adjustment दिया होगा. तो समझ में आ गया structure of the sum कैसा होगा, opening, closing balance, cash and non-cash transactions और adjustments. अब इन सब को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, total 10 different accounts बनाएंगे. अब आप कौन कौन से 10 different accounts होंगे उसके बारे में मैं बताता हूँ. हम सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल, फिर डेटर्स सन्डी क्रेडिटर्स, कैश बुक और उसके बाद में फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैपिटल और क्लोजिंग बैलेंस शीट. फिर से सुनिए, ओपनिंग बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल, डेटर्स और क्रेडिटर्स, कैश बुक, फिर उसके बाद में फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट. ठीक है, ये टोटल 10 अकाउंट बनाएंगे. लेकिन हमारे पास सम के अंदर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं दिया होगा तो हम आरटी बनाएंगे, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल नहीं बनाएंगे. तो हो गया व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर. अब हाउ वी हैव टू स्टार्ट द सम. तो जैसे ने बताया कि जिस तरह से हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ द सम किया है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सम का पोस्टिंग करेंगे. जैसे कि ओपनिंग और क्लोजिंग असेट्स और लायबिलिटीज दिया होगा तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग असेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे.
एक बात मैंने पहले ही बताया था कि इस सम को करने के लिए, मतलब इस चैप्टर के सम को करने के लिए कन्वर्सन मेथड, जैसे कि इसका नाम है, हर एक अमाउंट को आपको दो जगह लिखना है, दो इफेक्ट पास करना है। इसलिए आप ओपनिंग बैलेंस को भी जब लिखोगे तो दो जगह लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस को भी लिखोगे तो दो जगह लिखोगे, जो कैश ट्रांजेक्शन्स है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, उसको भी दो जगह लिखोगे, एडजस्टमेंट जो होगा उसका भी दो इफेक्ट दोगे। ठीक है, तो तीन चीज़ मैंने आपको बताया, सम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सम, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर एंड हाउ टू स्टार्ट द सम। अब चौथी बात जो हम दिमाग में रखेंगे कि हाउ वी हैव टू क्लोज ऑल द डिफरेंट लेजर अकाउंट्स, और उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। तो जब ओपनिंग बैलेंस शीट हम बंद करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर आपको जो मिसिंग फिगर मिलेगा होगा ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल अकाउंट जब हम बंद करेंगे तो मोस्टली कैसा होता है कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल के अपने डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसे कि बिल ड्रॉन, आगे चल के बिल हॉनर होता है या तो डिसऑनर होता है। अगर देखा जाए तो बिल ड्रॉन, हॉनर, डिसऑनर अगर सम में दिया है, इसका मतलब बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस हमको ढूंढ निकालना है। बिल्स रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस अगर दे दिया है तो इसका मतलब बिल ड्रॉन, बिल्स रिसीवेबल, हॉनर या डिसऑनर में कुछ मिसिंग होगा। उसी तरह से बिल्स पेएबल होगा, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, आगे चल के हॉनर होगा या तो डिसऑनर होगा। अगर बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड, हॉनर और डिसऑनर अवेलेबल है तो इसका मतलब भी बिल्स पेएबल का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग होगा। संडे डेटर्स क्यों बनाते हैं? संडे डेटर्स क्रेडिट सेल्स ढूंढने के लिए बनाते हैं, लेकिन क्रेडिट सेल्स अवेलेबल होगा तो क्लोजिंग डेटर्स कहीं ना कहीं मिसिंग हो सकता है। संडे क्रेडिटर्स क्यों बनाते हैं? संडे क्रेडिटर्स से हमको क्रेडिट परचेस मिलता है, क्रेडिट परचेस अगर दिया है तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स मिसिंग होगा। फिर है कैश बुक, कैश बुक क्यों बनाते हैं? तो कैश बुक में कैश सेल्स या तो कैश परचेस मिसिंग हो सकता है, लेकिन अगर दोनों अवेलेबल है तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस वहां पर अवेलेबल नहीं होगा। ट्रेडिंग अकाउंट जैसा कि हमको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढने के लिए बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल अकाउंट से क्लोजिंग कैपिटल मिलता है, और उसके बाद में सब बैलेंस मिल जाने के बाद बैलेंस शीट हमारा टैली हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सम का स्ट्रक्चर देखा, क्या क्या बनाना है, किस तरह से पोस्टिंग करना है, उसको क्लोज किस तरह से करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब प्रैक्टिकल आस्पेक्ट की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर हम लोग दो सम करेंगे, दोनों सम को हम पूरी तरह से सॉल्व करके देखेंगे। इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा और आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल आस्पेक्ट की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल आस्पेक्ट चालू करने जा रहे हैं। तो एक सम आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, तो सम के अंदर आप देखो तो लिखा हुआ है, मिस्टर संदीप कैरीज ऑन बिजनेस एंड डज नॉट कीप हिज बुक्स ऑन डबल एंट्री बेसिस। मतलब डबल एंट्री सिस्टम से वो अपने अकाउंट्स को नहीं बनाता है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स, फर्स्ट जनवरी 2000 है और 31 दिसंबर 2000 है। तो फर्स्ट जनवरी 2000 को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस, और 31 दिसंबर 2000 को बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस। प्लांट एंड मशीनरी असेट्स, स्टॉक असेट्स, सन्डे डेटर्स असेट्स, कैश इन हैंड असेट्स, सन्डे क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। कैश ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 2000। ठीक है, पर्टिकुलर्स एंड द रुपीस में पेमेंट फॉर कैश परचेजेस, पेमेंट फॉर सन्डे क्रेडिटर्स, सन्डरी एक्सपेंसेस पेड, वेजेस, ड्राइंग्स रिसीव्ड फ्रॉम द डेटर्स। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर आप देखो तो डेप्रिसिएट मशीनरी एट 20% पर एनम,
Mr. Sandeep had taken the goods from the business for the personal use, costing rupees 12,000 और prepaid wages है 5,000. This sum है, तो मैंने बताया था कि sum का जो structure होगा, सबसे पहले क्या दिया होता है, opening balances of assets and liability. दूसरा जो structure होगा, वो cash transaction या non-cash transaction होगा. और तीसरा जो है, वो है तुम्हारा adjustments, that is the additional information. इन सब को देखने के बाद, हमारे पास कौन-कौन से different ledger account होंगे? तो सबसे पहले ये देख लो, यहाँ पे भी bills receivable, bills payable नहीं है. तो हमको bills receivable, bills payable नहीं बनाने हैं. तो अब करेंगे क्या हम लोग total 8 ledger account बनाएंगे. बराबर first होगा opening balance sheet, second debtors, थर्ड क्रेडिटर्स, फोर्थ कैश बुक, फिफ्थ फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और उसके बाद में क्लोजिंग बैलेंस शीट. ठीक है, अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ओपनिंग कैपिटल के लिए. डेटर्स के अंदर देखेंगे क्रेडिट सेल्स, जैसे कि हमारे इस समय क्रेडिट सेल्स कहीं पे भी नहीं दिया है, तो डेटर्स बनेगा क्रेडिट सेल्स के लिए. क्रेडिट परचेस भी इस समय कहीं नहीं दिया है, तो हम लोग क्या बनाएंगे क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट परचेस निकालने के लिए. कैश बुक, अब कैश बुक बनाते हैं कैश सेल्स या कैश परचेस के लिए. तो अगर देखो तो इस समय कैश सेल्स मिसिंग है, तो यहाँ पर कैश बुक हम लोग बनाएंगे कैश सेल्स फाइंड आउट करने के लिए. ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनेगा नेट प्रॉफिट के लिए, कैपिटल अकाउंट बनेगा क्लोजिंग कैपिटल के लिए, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग जहाँ पे क्लोजिंग असेट्स लायबिलिटीज लिखा होगा और ये टैली हो जाएगा, इट मस्ट टैली. ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं. तो यहाँ पर टोटल मैंने 10 लेजर अकाउंट बना दिया है. बराबर ओपनिंग बैलेंस शीट, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, कैश बुक, बराबर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट. ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग सम चालू करते हैं. तो हर एक अमाउंट का दो दो इफेक्ट हमको देते जाना है. तो देखो अभी आपके पास प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 1,25,000. तो ओपनिंग बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000, ये एक इफेक्ट हुआ. अब प्लांट एंड मशीनरी का कहीं पे भी लेजर अकाउंट नहीं बनाया हम लोगों ने अलग से, तो सीधा इसका जो सेकंड इफेक्ट होगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा. क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी. इनर में इसलिए लिखा है क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है. अब प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है, तो जो डेप्रिसिएशन करके जो आएगा दैट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है, अब इसके दो इफेक्ट हो गए, इसके दो इफेक्ट बाद में हो जाएंगे. स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 1,22,000, तो स्टॉक यहां लिख दिया 1,22,000, एक इफेक्ट हुआ. ए स्टॉक ओपनिंग डेट पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 1,22,000. ठीक है, उसके बाद है आपका क्लोजिंग स्टॉक 1,19,500. तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,19,500, एक इफेक्ट.
क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 119,400, ठीक है। उसके बाद में सन्डे डेटर्स है, सन्डे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 18,000 है, तो सन्डे डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग इफेक्ट दे देंगे सन्डे डेटर्स 18,000, और सन्डे डेटर्स के अकाउंट में जाके लिखेंगे, और असेट्स होता है सन्डे डेटर्स, तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है, तो टू ओपनिंग बैलेंस, जिसको हम लोग बैलेंस हाँ बीडी लिखते हैं 18,000, हो गया। उसके बाद है डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस 122,500, तो जैसा बताया कि डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ है, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, जिसे हम लोग बैलेंस क्रेडिट डाउन बोलते हैं, अमाउंट है 125,500, ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट डेटर्स में जाएगा सन्डे डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा सन्डे डेटर्स, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सीधा बाहर लिख सकते हैं 125,500। अगर एडजस्टमेंट होता आरडीडी या बैड डेट्स, तो हम लोग अमाउंट को अंदर लिखते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, हर एक का दो दो इफेक्ट है। फिर कैश इन हैंड ओपनिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे हम लोग कैश इन हैंड 1,13,650, एक इफेक्ट कैश इन हैंड, बराबर। और कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस असेट्स है, तो कैश बुक के अंदर टू बैलेंस ओपनिंग बैलेंस 1,13,650। फिर कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 1,800, तो कैश में जाके लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस, असेट्स का ओपनिंग बैलेंस इधर है, असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस नीचे से लिख देंगे क्रेडिट साइड में, या तो पेमेंट साइड में, बाय क्लोजिंग बैलेंस 1,800, एक इफेक्ट हुआ 1,800 का। अब दूसरा इफेक्ट यहाँ पर आएगा असेट्स में, मतलब बैलेंस शीट क्लोजिंग असेट्स में, कैश इन हैंड 1,800, ठीक है। तो इस तरह से कैश इन हैंड हो गया। अब सन्डे क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 1,12,500, तो ओपनिंग है, तो ओपनिंग में जाके लिखेंगे सन्डे क्रेडिटर्स 1,12,500, क्रेडिटर्स का इफेक्ट हुआ। अब क्रेडिटर्स में जाएंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से चालू होगा, बाय ओपनिंग बैलेंस 1,12,500, ठीक है। अब क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 1,10,000, तो क्रेडिटर्स जो है ये ओपनिंग बैलेंस है, अब ये क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बराबर, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग का अमाउंट है 1,10,000, तो 1,10,000, ठीक है। एक इफेक्ट हुआ, अब क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे सन्डे क्रेडिटर्स 1,10,000। आप देख रहे हैं कि हर एक का ओपनिंग का मैं दो इफेक्ट दे रहा हूँ, क्लोजिंग का दो इफेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आता है, ये आपका हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर, सम का ओपनिंग का दो इफेक्ट, क्लोजिंग का दो इफेक्ट दे दिया। अब कैश ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द 2000, तो कैश ट्रांजेक्शन के लिए सबसे बेस्ट रही कि आपको ना कैश बुक के पास आके खड़े हो जाने का,
और कैश बुक के पास आ जाने के बाद जो भी कैश कम्स इन होगा वो यहाँ लिखेंगे और जो भी कैश गोज आउट होगा यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और उसके बाद में दूसरा इफेक्ट करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो होता है कंसर्न अकाउंट में जाके लिख देंगे। अब यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन में देखो, पेमेंट फॉर कैश परचेस 1 लाख, पेमेंट फॉर कैश परचेस 1,28,850 है, तो पेमेंट है, तो बाय परचेजेस 1,28,850 एक इफेक्ट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिखेंगे टू परचेजेस अंडरलाइन कैश और क्रेडिट, इस तरह से फॉर्मेट तैयार कर देंगे। तो कैश के सामने अब लिख देंगे 1,28,850, ठीक है। इस तरह से दो इफेक्ट हो गया, एक इफेक्ट यहाँ पे दिया कैश बुक में और दूसरा इफेक्ट हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस आता है तो वहाँ पे दे दिया, ठीक है। उसके बाद है पेमेंट फॉर सन्ड्री क्रेडिटर्स 11,32,000, पेमेंट है तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 11,32,000, तो इधर पेमेंट था इसलिए यहाँ लिखा और क्रेडिटर्स में जाके लिख देंगे हम लोग, इधर बाय है तो क्रेडिटर्स में जाके लिख देंगे टू। देखो ये क्रेडिटर्स में जाके लिख दिया मैंने टू कैश पेड 11,32,000, ठीक है। उसके बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, तो पेड है बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,21,450, और ट्रेडिंग सन्ड्री एक्सपेंस कहाँ जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके लिख देंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,21,450, ठीक है। दो इफेक्ट देना है आपको हर एक का। उसके बाद है वेजेस, वेजेस पेमेंट होगा तो बाय वेजेस कितना है 1,15,000 एक इफेक्ट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिख देंगे टू वेजेस, और वेजेस का एडजस्टमेंट है यहाँ पे प्रीपेड वेजेस, बराबर दिख रहा है आपको, वेजेस का एडजस्टमेंट है प्रीपेड, तो वेजेस का जो अमाउंट होगा हम लोग इनसाइड लिखेंगे 1,15,000, ठीक है। फिर है ड्राइंग्स, पैसे दे रहे हैं हम लोग ड्राइंग्स, तो बाय ड्राइंग्स कितना है 16,800, अब कैपिटल में जाके लिख देंगे टू ड्राइंग्स अमाउंट है 16,800, ठीक है। उसके बाद है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 11,60,000, तो रिसीव्ड है तो पैसा आया तो टू डेटर्स 11,60,000 एक इफेक्ट, पैसा आ रहा है तो डेटर्स में जाके लिख देंगे, इधर टू है तो यहाँ लिख देंगे बाय कैश, ब्रेकन लिख दिया कलेक्शन या रिसीव्ड 11,60,000, ठीक है, ये भी हो गया। तो ये सेकेंड हो गया, हर एक का दो दो इफेक्ट मारा। कैश ट्रांजेक्शन के लिए सबसे अच्छा है कि आप कैश बुक के पास आ जाइए, रिसिप्ट होगा तो यहाँ पर, गोज आउट होगा तो यहाँ पे, मतलब पेमेंट, और उसके बाद दूसरा इफेक्ट करस्पॉन्डिंग इफेक्ट उस कंसर्न अकाउंट में जाके लिखना है। अब एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएट मशीनरी 20% है, ठीक है, तो एडजस्टमेंट हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा लेस
डेप्रिसिएशन 20% दिया हुआ है तो 20% लिखेंगे, तो 1,25,000 का 20% निकालेंगे, 1,25,000 है उसका 20%, तो 25,000 हो गया, तो लेस 25,000 माइनस करके आ गया 1,00,000, ये एक इफेक्ट हो गया। और डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 25,000, ठीक है। इस तरह से आपके दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट है, मिस्टर संदीप हैड टेकन द गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज कॉस्ट ऑफ 12,000। एक गुड्स प्रोप्राइटर लेके जाता है तो पहला इफेक्ट कहाँ देते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज 12,000 है, तो 12,000 का इफेक्ट यहाँ पे दे दिया। और ये क्या होता है, ड्राइंग्स होता है, तो ड्राइंग्स कहाँ आता है आपका कैपिटल अकाउंट में, तो गुड्स टेकन 12,000, ठीक है। ये हो गया आपका दो इफेक्ट। प्रीपेड वेजेस, तो प्रीपेड वेजेस का पहला इफेक्ट होता है माइनस, तो लेस प्रीपेड कितना है 5,000, 1,10,000। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रीपेड वेजेस 5,000, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये थर्ड स्ट्रक्चर पूरा हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटी, मतलब ओपनिंग बैलेंस बैलेंसेस ऑफ असेट्स लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स लायबिलिटी हो गया, कैश ट्रांजैक्शंस और एडजस्टमेंट, सबके दो दो इफेक्ट दे दिए। अब हमको क्या करना है, अकाउंट को क्लोज करना है। चलो अब सबसे पहला हम लोग क्लोज करते हैं बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट से आपको ओपनिंग कैपिटल मिलेगा 1,25,000 प्लस 1,22,000 प्लस 18,000 प्लस 1,13,650, ये हो गया 3,78,650, उसमें से माइनस कर दिया 1,12,500, तो आ गया 2,66,150, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ये ओपनिंग कैपिटल जाए कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट में हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट साइड में, बाय ओपनिंग बैलेंस 2,66,150, हो गया। अब हम लोग डेटर्स अकाउंट बंद करेंगे, अब डेटर्स अकाउंट में, अब देखो डेटर्स अकाउंट में आप बना रहे क्यों, क्रेडिट सेल्स के लिए, तो ए साइड 11,60,000 प्लस 1,25,500, तो हो गया 12,85,500, 12,85,500 माइनस 18,000, ये हो गया आपका 12,67,500, तो यहाँ लिख देंगे 2 क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब ये क्रेडिट सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स अंडरलाइन
कैश क्रेडिट, ऐसा फॉर्मेट बना लेते हैं। तो कितना आ गया, क्रेडिट सेल्स 12,67,500, ठीक है। ये हो गया आपका डेटर्स अकाउंट। अब कैश अकाउंट बंद करेंगे। कैश अकाउंट में कैश सेल्स या कैश परचेस आता है। अब देखो यहाँ पर ए साइड क्रेडिट साइड बड़ा लग रहा है, तो उसका टोटल मार लेंगे 1,28,850 प्लस 11,32,000 प्लस 1,21,450 प्लस 1,15,000 प्लस 16,800 प्लस 1,800, ये हो गया 15,15,900 15,15,900। उसमें से माइनस कर देंगे 1,13,650 माइनस 11,60,000, ये हो गया आपका टू कैश सेल्स 2,42,250। बराबर, कैश सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे 2,42,250। अब इसको बाहर लिखा लेंगे 12,67,500 प्लस कर दिया, ये हो गया 15,09,750। अब क्रेडिटर्स अकाउंट बंद कर देता हूँ मैं। बराबर, क्रेडिटर्स अकाउंट पहले ही बंद करना चाहिए था, लेकिन हमने थोड़ा बाद में बंद किया। 11,32,000 प्लस 1,10,000 ये आ गया 12,42,000। उसमें से 1,12,500 माइनस किया तो हो गया 11,29,500 बाय क्रेडिट परचेजेस। तो हमने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया ही था क्रेडिट परचेज ढूंढने के लिए, 11,29,500। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में आके लिख देंगे 11,29,500 प्लस 1,28,850 प्लस कर दिया तो 12,58,350, ठीक है। अब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 15,09,750 प्लस 12,000 प्लस 1,19,500 तो 16,41,250 में से माइनस किया 1,22,000 माइनस 12,58,350 माइनस 1,10,000 तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,50,900, ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,50,900। अब इसको बंद कर देंगे तो 1,50,900। एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है। वन लैख फिफ्टी थाउजेंड नाइन हंड्रेड, ठीक है। उसमें से माइनस कर दिया 1,21,450 माइनस 25,000 तो नेट प्रॉफिट आ गया, तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट डाउन 4,450, ठीक है।
अब यहां लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 4450। चलो इसको बंद कर देंगे। क्रेडिट साइड बड़ा है प्लस 266,150, 270,600, 270,600, उसमें से माइनस कर दिया हमने 16,800 माइनस 12,000, तो हो गया 241,800 टू क्लोजिंग कैपिटल, मतलब क्लोजिंग बैलेंस 261,800। अब इसको हम लोग लायबिलिटी साइड लिख दिए क्लोजिंग कैपिटल 241,800, ठीक है। अब इसको टैली करेंगे, हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब क्लोजिंग असेट्स और लायबिलिटीज मिल गया है, तो लायबिलिटी साइड का टोटल हो जाएगा 241,800 प्लस 110,000, 351,800। असेट साइड में देखो 100,000 प्लस 119,500 प्लस 125,500 प्लस 1,800 प्लस 5,000, ये हो गया आपका 351,800। तो देखो ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट टैली हो गया। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को किया। आप जब मैं सम करता हूँ उसी समय अगर आप भी साथ साथ में इसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए यह चैप्टर या सम सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ही सिंपल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमने कर लिया, नेक्स्ट लेक्चर में और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट करेंगे, तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। Thank you for watching this clip. Have a nice day from the Rakesh Sir.